शिमला रेप कांड के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीति न करने के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है और भाजपा को दो मुंह वाले सांप की संज्ञा तक दे डाली है। कौशल ने मुख्यमंत्री को खुद के पद की चिंता करने की सलाह तक दे डाली। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर भी जमकर प्रहार किए। शिमला रेप कांड के बाद कांग्रेस पार्टी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीति न करने के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया और भाजपा को दो मुंह वाले सांप की संज्ञा तक दे डाली। वहीं कौशल ने मुख्यमंत्री को खुद के पद की चिंता करने की सलाह तक दे डाली। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व चुनाव एजेंडे अनिल ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सरकार व पुलिस प्रशासन के टूलमूल रवैये का विरोध किया था, जो कि गलत नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि गुड़िया कांड के समय पुलिस थाना व रिकॉर्ड तक को जलाने का काम किया गया था और भाजपा ने पूरे प्रदेश में इस मुद्दे का लाभ लेने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो मुंह वाला सांप है। परिस्थितियों में कभी एक मुंह से काम लेती है और दूसरी परिस्थिति में दूसरे मुंह से काम लेती है। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कोटखाई में एक गुड़िया रेप कांड हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस रेप कांड का जमकर राजनीतिकरण किया, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया और यहाँ तक के कोटखाई का जो थाना था उसको आग लगा दी, पुलिस का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपना सरोकार व्यक्त किया एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको, उसके प्रति एक सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति को कि इस तरह के दुष्कर्म और अपराध जो हैं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, रुकने चाहिए, कानूनी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से और एक राजनीतिक दल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझकर कांग्रेस पार्टी करती है और उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो भी सती अगर ऐसी बात बोलते तो समझ सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है क्योंकि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी का उसके प्रति सरोकार है, संवेदना है और दुखद ये है कि तीसरा दिन आज जा रहा है, कोई अपराधी उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने में असफल रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर मुख्यमंत्री के बयान पर प्रेम कौशल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन के बाद मुख्यमंत्री को खुद अपनी चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणामों के बाद मुकेश तो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे मगर प्रदेश में मुख्यमंत्री जरूर बदल जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी में बदलाव होता रहता है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं वो शंकित हैं, अशंकित हैं, उनके मन में और दिमाग में कहीं ना कहीं भय है, डर है। मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल के नेता हैं, चुनावों के बाद भी रहेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोकसभा के जो चुनाव हैं उनके जो नतीजे आने वाले हैं और विशेषकर मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, जो मुख्यमंत्री का गृह लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जिस तरीके से वो घिर के रह गए हैं और जो रुझान इस वक्त जो लोगों से इस वक्त जो हवा है वो ऐसी है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोष है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन भारी मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर जीतेगी और जब लोकसभा के नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। तो कहीं अगर बदलाव कहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा और बदलेगा अगर कोई तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बदलेगा। वैसे भी ठाकुर जयराम जो हैं वो कोई चॉइस से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं हिमाचल प्रदेश के, ही इज़ एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर प्रेम कुमार धूमल चुनाव नहीं हारते तो ये मुख्यमंत्री न बनते। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।